जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का ऑब्जेक्टिव जी आप लोगों के साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो है इनकम टैक्स रिटर्न पे वो शेयर करना है। मैं आप लोगों को लिंक भी शेयर कर रहा हूँ जी, अगर आप टाइप करके करना चाहें तब भी कर लें, और अगर आप उसको दूसरी तरफ से अगर आप बोल के साथ ऑनलाइन होना चाहते हैं तो वो लिंक मैं आप लोगों को पहले शेयर कर देता हूँ, आप इसमें से ले लें पहले। जी ये मैंने लिंक जो है इसमें सेंड कर दिया जी, अगर आप उसमें उसको क्लिक करेंगे तो आप लाइव भी आ सकते हैं उसमें, क्वेश्चन आंसर सेशन में आप लाइव भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन जी। मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ वन बाय वन करके, कोशिश करेंगे कि इसको एक घंटे का सेशन हम कर लें। अभी मेरे पास 8:40 हुए, तो कोशिश करेंगे कि इसको 9:40 तक ना इसको हम क्वेश्चन आपके ले लें। अगर ज़्यादा होंगे तो टाइम बढ़ भी सकता है, बहरहाल आपके क्वेश्चन हो तो वो आप शेयर कर लीजिएगा मेरे साथ जी। सबसे पहले जो मेरा पॉइंट है मैं वो आपसे शेयर कर लूं। पहला जी इसमें टाइप ऑफ रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न टू बी फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर्स जी। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि इसके अंदर के जो रिटर्न है वो कौन से वाली आप लोगों ने फाइल करनी है। पहला बेसिक क्वेश्चन जो आ रहा है वो ये है। सो इट विल डिपेंड के जी अगर आपकी सैलरी, बेसिकली चार टाइप्स की रिटर्न्स हैं जो अपलोड हुई हैं। एक है आपकी अगर आप सैलरी इंडिविजुअल हैं तो वो रिटर्न अलग है, फिर नॉन सैलरी की बिजनेस यानी बिजनेस क्लास अगर आप हैं तो वो अलग है, फिर AOP की रिटर्न आपकी इनकम टैक्स की अलग अपलोड हुई हुई है, और इसी तरह फिर जो आपकी जो कंपनी की जो रिटर्न है वो उन्होंने अपलोड कर दी है अलग से। अगर आपकी सिर्फ तनख्वाह है और तो फिर आपको सैलरी वाली जो रिटर्न है वो फाइल करनी है, लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम या बिजनेस इनकम है, इवन के आप सैलरी इंडिविजुअल होंगे भी, तो आपने नॉन सैलरी वाली रिटर्न फाइल करनी है। उसकी रीज़न ये है कि सैलरी वाली रिटर्न के अंदर उन्होंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी या बिजनेस इनकम की कोई जगह नहीं दी है, उसमें कोई रो या कोई कॉलम वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। सो इट मींस कि अगर आप सैलरीड पर्सन होंगे भी या नॉन सैलरी भी होंगे तो आपने बिजनेस जो क्लास है वही वाली रिटर्न जो है आपने नॉन सैलरी वाली रिटर्न आपने फाइल करनी है। सो पहला बेसिक क्वेश्चन ये है कि आपका लीगल स्टेटस क्या है और सोर्स ऑफ इनकम क्या है, उसके मुताबिक आपने रिटर्न फाइल करनी है। ये पहला पॉइंट है जी। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो मैंने लिंक सेंड कर दी है, आप उसमें लाइव भी आ सकते हैं, और इधर आप टाइप कर दें मुझे क्वेश्चन तो मैं उसको देख के कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब भी दे दूं। सो पहला तो आपके पास पॉइंट आ गया कि कौन से टाइप की जो रिटर्न है वो आपको फाइल करनी। मैं इसमें टाइप कर देता हूं ताकि आपको कल को आसानी रहेगी। नंबर वन है जी आपकी इनकम IT रिटर्न, मैं एब्रिविएशन कर देता हूं IT रिटर्न फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स, ये नंबर वन है जी। उसके बाद ये मैं एंटर कर रहा हूं जी पहली। दूसरे नंबर पे है मेरे पास IT रिटर्न फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल्स, ये दो हो गया। नंबर तीन पे है मेरे पास IT रिटर्न फॉर AOP यानी पार्टनरशिप फर्म या AOP आप समझ लें, और नंबर फोर है आपके पास IT रिटर्न फॉर ए कंपनी। ये चार जी रिटर्न्स हैं जो के फाइल होनी है। आप इसमें से कोई एक ओबियसली
अगर या आपकी अगर कंपनी भी है, एओपी भी है, हो सकता है आप अपनी जाती सोल पार्टनरशिप की रिटर्न फाइल कर रहे हो और आपकी पार्टनरशिप फर्म लग हो तो उसकी रिटर्न भी आप फाइल कर रहे होंगे, उसका एनटीएल लग होगा, और प्लस कंपनी भी आप एक रन कर रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक या अनलिस्टेड, तो उसकी रिटर्न भी आपको अलग फाइल करनी पड़ेगी ओबियसली अगर 114 सेक्शन आप पे एप्लीकेबल होता है। तो एक ही वक्त में आप एक सोल पार्टनरशिप की रिटर्न, एओपी की रिटर्न और कंपनी की रिटर्न, आप तीनों में अगर आपके एनटीएन डिफरेंट हैं ओबियसली जो कि डिफरेंट होते हैं तो उसमें आपको उनकी रिटर्न अलग अलग फाइल करनी पड़ेगी। एक तो ये बात हो गई। अब एक कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं क्वेश्चन आप लोगों का ले लूँगा जी। नेक्स्ट मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। पहला मेरा पॉइंट था कि जी कौन से वाली जो रिटर्न है वो आप लोगों ने फाइल करनी। इसके अलावा एक और भी है वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, नंबर 5 पे, वो है आईटी रिटर्न फॉर एसएमई। अगर आप स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में फॉल करते हैं तो उन्होंने ऑनलाइन पे उसकी रिटर्न जो है वो अपलोड की हुई है, आप उसको भी फाइल कर सकते हैं उसमें ऑप्शन लेने के बाद जी। ये भी ये आपकी आल्दो के जो फॉर्मेट है उसके अंदर उन्होंने नहीं डाला था एसआरओ के अंदर, लेकिन अलग से सिस्टम के अंदर ये अवेलेबल है जब आप ऑनलाइन जाके रिटर्न फाइल करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब क्वेश्चन मेरे पास है, ये तो हो गया कौन सी रिटर्न मैंने फाइल करनी है। अब इसके बाद इनकम्स कौन कौन सी हो सकती है इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी। टाइप्स ऑफ इनकम्स बेसिकली क्वेश्चन ये है। सबसे पहले है जी इनकम फ्रॉम सैलरी है, पहले मैं टाइप्स लिख देता हूं जी, फिर इस पे थोड़ा थोड़ा करके बात कर लेते हैं। दूसरा है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, और नंबर 3 है इनकम फ्रॉम बिजनेस, नंबर 4 है कैपिटल गेन्स, और नंबर 5 है जी आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जी। ये आपके सामने 5 हेड्स ऑफ इनकम है, आपको उसके मुताबिक देखना है कि आप की इनकम हो सकता है आपकी सिर्फ सैलरी इनकम हो, ठीक है, एम्प्लॉई है आप, आपके पास हो सकता है आपको डिविडेंड इनकम आई हो, आपको प्रॉफिट ऑन डेट आया हो, आपको प्राइस बोर्ड निकला हो, आपने शेयर्स बेच के इनकम कमाई हो, आपने बिजनेस भी किया हो, आपके पास रेंट इनकम भी आ सकती है आपके पास। सो एक हेड भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, सारे भी हो सकते हैं, इट विल डिपेंड कि आपने पैसे कहाँ से कमाए हुए हैं। सो 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसके मुताबिक ही आपकी जो रिटर्न है वो उसको डिस्क्लोज किया जाएगा। आप कंपटीशन बनाएंगे, इनकम कैलकुलेट करेंगे और अकॉर्डिंगली इनकम निकाल के तो उसके ऊपर फिर आप जो टैक्स लाइबिलिटी है अल्टीमेटली वो आप निकालेंगे। ओबियसली कुछ इसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस भी हैं, वो अपनी जगह पे हैं। सो इनकम पहले 5 हेड्स की आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इनकम जो है वो आप कैलकुलेट करेंगे। उसके तरीके मुख्तलिफ हैं, उसके सेक्शन रिस्पेक्टिव जो है वो अवेलेबल है, कि आपने अभी तक ऐसा कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आया जी। मैं आगे चलता हूँ। सो ये 5 हेड्स ऑफ इनकम आपके होंगे। सो आपने हर हेड ऑफ इनकम को कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव सेक्शन, अकॉर्डिंग टू द रिस्पेक्टिव क्लॉज और रूल और जो भी रेगुलेशन पे एप्लीकेबल है, एग्जम्पशन है, टैक्स क्रेडिट है, वो सब कुछ आप इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे। तो इनकम आप कैलकुलेट कर लेंगे, इनकम में से ओबियसली एग्जम्प्ट इनकम सबसे पहले एग्जम्प्ट इनकम माइनस हो जाएगी, जहाँ जहाँ एग्जम्प्ट है वो आप माइनस कर देंगे उस टोटल इनकम में से, तो आपकी और उसमें से डिडक्टेबल अलाउंसेस भी आप माइनस कर देंगे, तो जो कि ज़कात, WPPF, वर्कर्स वेलफेयर फंड और चिल्ड्रन की एजुकेशन एक्सपेंसेस, या आपके प्रॉफिट ऑन डेट जो आप पर्सनल लोन आप लेके तो घर की एक्विजिशन या नए घर की कंस्ट्रक्शन पे लगाएंगे तो वो आप उसका जो डिडक्टेबल अलाउंस है वो आप ले सकते हैं। सो इनकम
टोटल इनकम और फिर अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम आपके पास आएगी। टैक्सेबल इनकम में आप एग्जेम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे तो टैक्सेबल आ जाएगी। सो इनकम आपने रिस्पेक्टिव लॉ के मुताबिक कैलकुलेट करनी है और तभी आप आगे जा सकते हैं, क्योंकि हर हेड ऑफ इनकम को कैलकुलेट करने का तरीका मुख्तलिफ है। वो अलग बात है कि बाद में जो एन टी आर की इनकम है उनको जमा कर लिया जाता है और फिर टोटल टैक्सेबल इनकम टोटल और फिर टैक्सेबल इनकम निकाली जाती है, लेकिन सबको कैलकुलेट करने का तरीका जो कि मुख्तलिफ है, इसलिए आपने सबको अलग अलग ही रखना है और आप उसको एक ही गो में आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, हर एक को अलग अलग कैलकुलेट करेंगे। हर एक की एग्जम्पशन अलग हैं, टैक्स क्रेडिट्स अलग हैं, रिडक्शन अलग हैं और इनकम कैलकुलेट करने का तरीका अलग है, उस पर टैक्सेबिलिटी का तरीका भी कुछ जगहों पर अलग है, लेकिन बाकी अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम पर ही टैक्स निकाला जाता है। ये सारा हम टैक्स ईयर 2022 की बात कर रहे हैं। सो आप इनकम साइड जब मुकम्मल करेंगे तो फिर आपकी ओबियसली उसके आगे फिर आपके टैक्स क्रेडिट्स हैं। जब आप टैक्स लाइबिलिटी पहले बना लेंगे टैक्सेबल इनकम पे, तो फिर आपको फॉरेन सोर्स इनकम का टैक्स क्रेडिट है, एओपी का शेयर का है, फिर टैक्स क्रेडिट आपके जो रेलिवेंट लॉ में है वो आपके डोनेशन है, उसमें इन्वेस्टमेंट इन शेयर है, तो और भी इसमें जो टैक्स क्रेडिट्स हैं वो आप अवेल करेंगे। उसके बाद अल्टीमेटली जब आप टैक्स रिडक्शन सारा जो कर लेंगे, अपने टैक्स क्रेडिट्स और टैक्स रिडक्शन आप अवेल कर लेंगे, फिर एंड पे आपने जो टैक्सेस पेड किए होंगे वो भी आप माइनस करेंगे, और माइनस करके तो अल्टीमेटली आपको पता लगेगा कि आपकी रिफंड है या पेएबल है या रिसीवेबल आपका एज पर रिटर्न आ जाएगा। अब ये बातें तो आपकी कॉमन है जो मैंने आपके साथ शेयर की, अगर कोई किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप मेरे साथ कर सकते हैं। अभी तक एज सच मेरे पास कोई क्वेश्चन आया नहीं है, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले उसका आपको जवाब दें। जी मैंने आपको लिंक शेयर कर दी है, अगर आप लाइव आके क्वेश्चन करना चाहते हैं तो वो भी आप बाय वॉइस जो आपकी वीडियो कॉल है वो आप कर सकते हैं, वो मैंने लिंक इसके अंदर जो है ना आपको मीट का सेंड कर दिया है। अच्छा, अब या आप लिख के कर लें या आप बोल के कर लें, जिस तरह आपको कन्वीनियंस है आप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो पॉइंट आपका आ गया कि आपने इनकम कैलकुलेट कर ली, टैक्स इसको कंपटीशन ऑफ इनकम एंड टैक्स देयर ऑन हम कहते हैं वो आप कैलकुलेट करेंगे, ये अपनी जगह पे चला जाएगा, आप उसको बिजनेस को बिजनेस में डालेंगे, उसका तरीका जो डिफाइन है उस तरह करेंगे, तमाम एड्स आप इसी तरह लेके चलेंगे। अब उसके अंदर फिर एक बैलेंस शीट है, वो भी आपको बनानी पड़ेगी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं। अब बैलेंस शीट के अंदर जो आपका कैपिटल है वो कैपिटल जो बिजनेस की लाइबिलिटी है, वो जो इंडिविजुअल है या इन्वेस्टर है या मेंबर्स हैं तो उनकी वो इन्वेस्टमेंट शो हो जाएगी उनकी वेल्थ के अंदर, तो जो बैलेंस शीट में पेबल होगा वो इन्वेस्टर्स के लिए वो उसका रिसीवेबल जो है वो स्टैंड कर जाएगा। जो उमूमन आप बैलेंस शीट जो अकाउंट से लोग एसोसिएटेड हैं उनको पता है कि बैलेंस शीट जो है वो बिजनेस की हम बिजनेस एसेट्स और बिजनेस लाइबिलिटीज को स्टेट करके बनाते हैं, उसमें ओबियसली फिक्स एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हैं, फिक्स लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटीज हैं, इसी तरह हम उस सारे को टोटल करते हैं, वो एंड पे टोटल टैली हो जाता है। अब इसके बाद जो सैलरी में जो मेन चीज याद रखने वाली है वो यही है कि जो उसके अंदर रिस्पेक्टिव टैक्स क्रेडिट या बेनिफिट्स है वो आपने लेने हैं, एग्जम्पशंस को ज़हन में रखना है, इसी तरह बाकी जो हेड्स ऑफ इनकम है उनको इसी तरह ही आप लेके चलेंगे। अब चूंकि इनकम टैक्सेबल इनकम पे है तो आपको इनकम पहले निकालनी पड़ेगी, फिर टोटल इनकम और फिर टैक्सेबल इनकम बनानी पड़ेगी। अगर आप गौर करें तो टैक्सेबल इनकम पे ही टैक्स लगता है, उसी पे ही चार्ज किया जाता है और नाम भी उसका टैक्सेबल इनकम है। अब इनकी जो रिपोर्टिंग है वो वेल्थ स्टेटमेंट में कैसे है उस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जी जनाब, कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, अभी एज सच कोई डायरेक्ट क्वेश्चन मेरे पास आया नहीं है। चले मैं आगे चलता हूँ। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है वो वेल्थ स्टेटमेंट है, तो वेल्थ स्टेटमेंट जब हम लोग बनाते हैं तो वेल्थ स्टेटमेंट में उसको एक्चुअल कॉस्ट बेसिस पे बनाया जाता है, उसका फेयर मार्केट वैल्यू से ताल्लुक नहीं होता। जो अगर जो आपके एसेट्स में अगर चेंज नहीं आई, फर्दर पैसा नहीं लगाया आपने, वो खरीदो फरोख्त नहीं की, तो वो एज इट इज उसी वैल्यू पे अपीयर हो रहे होते हैं। पहला प्रिंसिपल जो है ना वेल्थ स्टेटमेंट का, यानी कि फॉरन करेंसी भी अगर है आपके पास $10,000 शुरू से आ रहे हैं तो वो जो रेट उस वक्त था जब आपने उसको परचेज किया था तो वो वही वाला रेट इस वक्त इसमें स्टेट हो रहा होगा, क्योंकि अगर आप उसको चेंज कर देंगे तो इस तरह तो फिर ज्वेलरी और प्रॉपर्टी और गाड़ियां भी चेंज हो चुकी हैं, फिर सबको चेंज करना पड़ जाएगा, तो उसका कॉन्सेप्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है,
आपने उसको एक्चुअल कॉस्ट बेसिस में बनाना है। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर जो रिपोर्टिंग होनी है वो रिटर्न के अंदर ही है, वो अलग से नहीं है। आप उसी के अंदर अपनी वेल्थ स्टेटमेंट को बना के, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं तो आपको वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है, जबकि बाकी जो लोग हैं इनके अलावा रेजिडेंट इंडिविजुअल के अलावा उनको फाइल करना लाजमी नहीं है। लेकिन नॉन रेजिडेंट के लिए, अगर इंडिविजुअल के लिए कल को टैक्सेशन ऑफिसर या कमीशन इन रेवेन्यू उनके थ्रू आपसे मांगे, तो फिर आप उनको जो वेल्थ स्टेटमेंट है नॉन रेजिडेंट को भी देना लाजमी हो जाएगा। अब वेल्थ स्टेटमेंट में प्लस ये है कि ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट है, इसको उसी तरह ही बनाया जाता है जिस तरह आप अपने अकाउंट्स बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं अकाउंट्स, तो उसी तरह इसमें वेल्थ स्टेटमेंट है, वेल्थ रिकंसिलिएशन है और कैश अकाउंट जो है वो इसमें बनाया जाता है। तो तमाम आइटम्स की आपस में रिकंसिलिएशन बनती है, जितनी भी चेंजेज आती हैं ऐड या लेस जो आपने करना है वो डबल एंट्री के थ्रू हम करते हैं। मसलन दो तीन एग्जाम्पल हम बना लेते हैं, अगर मैंने कोई चीज़ खरीदी है तो मैं एसेट को डेबिट करूंगा गाड़ी को और या प्रॉपर्टी को, और कैश या बैंक को क्रेडिट कर दूंगा। इसी तरह जब मैं बेचूंगा तो मुझे सेल पे गेन या लॉस होगा, जारी बात है, या हो सकता है नो प्रॉफिट नो लॉस हो। अगर मैं चीज़ महंगी बेचूंगा तो मुझे गेन हो जाएगा, और अगर मैं उसको सस्ता बेचूंगा तो मुझे लॉस हो जाएगा एज कम्पेयर टू दी एक्चुअल कॉस्ट के। सो गेन या लॉस को रिकंसिलिएशन में ले जाएंगे, एसेट आपका रिस्पेक्टिव वेल्थ में से निकल जाएगा और जितने पैसे आप रिसीव करेंगे वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में चले जाएंगे। तो ये आपकी डबल एंट्री इस तरह मुकम्मल हो जाएगी। इसके अलावा आपने जो जितने एसेट्स हैं मैंने पहले बता दिया, कॉस्ट बेसिस में बनाएंगे। बैलेंस शीट और वेल्थ स्टेटमेंट में बेसिकली फर्क ये है कि बैलेंस शीट इज द लिस्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स एंड बिजनेस लायबिलिटीज, वेयर एज वेल्थ स्टेटमेंट इज द लिस्ट ऑफ पर्सनल एसेट्स एंड पर्सनल लायबिलिटीज। तो जितने आपके पर्सनल एसेट्स हैं, आपका घर, प्रॉपर्टी, क्रेडिट कार्ड, एग्री लैंड, कमर्शियल नॉन कमर्शियल शेयर्स, आपका पर्सनल लोन, ठीक है, ज्वेलरी और जितने भी पर्सनल चीज़ें हैं आपकी, वो सारी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आएंगी। सो ये कुछ आइडिया था आपकी रिटर्न के बारे में और कुछ आपको मैंने दिया वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। मैंने पहले क्या कहा कि दो मैंने लिंक भी भेजा हुआ है और प्लस मैंने आपको लाइव भी, आप आगे इसमें टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, ताकि रिटर्न से रिलेटेड कोई इशू है तो वो आप रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जब रिपोर्टिंग आपने करनी है तो बैंक एंट्रीज लाजमी चेक करनी है उसकी, चाहे वो आपके क्लोज्ड अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, पर्सनल अकाउंट्स हैं, बिजनेस के अकाउंट्स हैं, ज्वाइंट अकाउंट है, ठीक है, वो जितनी ट्रांजैक्शन है डेबिट कार्ड, वो सब की डिटेल बना के तो आपने उसको वेरीफाई करना है और उसके बाद उसको बिजनेस में, या बिजनेस वाली बिजनेस में और पर्सनल वाली पर्सनल में आप उसको रिपोर्ट भी करेंगे। उनके बैलेंसेज लाजमी बैलेंस शीट और पर्सनल में कवर कर लीजिएगा, वो ज़रूरी है, ठीक है, वरना वो कंसीलमेंट कल को बन जाती है कि नहीं आपने ये अकाउंट डिस्क्लोज नहीं किया या एंट्रीज आपने बीच में से स्किप कर दी है, तो उसको भी कवर करना लाजमी होगा। सो बैंक की एंट्रीज भी आपकी आ गई। अपनी सेल्स और परचेज को, अगर आप गुड्स बेच रहे हैं तो सेल टैक्स रिटर्न्स के साथ, और अगर सर्विसेज है तो रिस्पेक्टिव परमिट्स को जो रिपोर्टिंग हुई है अगर आप टैक्सेबल में फॉल करते हैं तो उससे टैली कर लीजिएगा, ताकि दोनों तरफ जो रिकॉर्ड है वो आपका बराबर जाए। फिर एंट्रीज की, जितनी भी एंट्रीज आपने की है उसको भी काउंट फॉर करें, चाहे वो बैंक चार्जेस हैं, आपके डायरेक्ट डिपॉजिट्स हैं, डायरेक्ट क्रेडिट्स हैं, जितने भी क्रेडिट एंट्रीज हुई हैं, कैश डिपॉजिट हैं या क्रॉस चेक हैं या ट्रांसफर्स हैं, सबको काउंट फॉर करें। इसी तरह डेबिट साइड को भी काउंट फॉर करें, वो पैसा किधर निकल गया, क्रॉस चेक है तो इन्वेस्टमेंट है या कैश निकाला है या आगे लोन दिया है, लोन रिसीव किया है, ये तमाम चीज़ें आपने इसको कंसिडर करना है। क्योंकि अगर आप एंट्री स्किप कर देंगे तो कल को वो फिर आपकी कंसीलमेंट बना के उसको, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट एंट्रीज है, तो वो टू डेट एक्सटेंट फिर अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट या इनकम बना के उस पर टैक्स लगाने की कोशिश की जाती है, फिर आपके लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। जी जनाब, कोई क्वेश्चन है तो मैं देख लूँ। अभी तक तो ऐसा सच नहीं जी कोई क्वेश्चन आया है। चले, हम लोग आगे चलते हैं जी। तो कुछ आइडिया मैंने आपको रिटर्न के बारे में दिया और कुछ आपका वेल्थ स्टेटमेंट में आ गया, कुछ बैलेंस शीट के बारे में आ गया। अब कुछ हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोगों को पैसे आते हैं बाहर से, अब दो तीन तरीके हैं, जारी बात है, बाहर से लोन आ सकता है, आपकी इनकम आ सकती है, आपको आपके जो रिलेटिव हैं वो भेज सकते हैं। सो ये लोन भी हो सकता है, फॉरेन सोर्स इनकम भी हो सकती है और फॉरेन रेमिटेंस भी हो सकती है। सो अगर आपके पास सोर्सेज अवेलेबल है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें बैंकिंग चैनल के थ्रू या मनी चेंजर के थ्रू जो भी पैसा है, बेहतर तो यही है कि बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसा है।
अब इसमें सोर्स बताना बहुत जरूरी, किसने भेजे, किसको भेजे, ये बहुत जरूरी होगा ताकि कल को ये प्रॉब्लम ना हो कि कोई एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की कोई आपको लॉ आपको हिट ना हो जाए। सो पैसा किसने भेजा, किसको भेजा, अब इसमें चार पांच चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बंदा वहाँ नॉन रेजिडेंट हो, उसने वहाँ वो पैसा कमाया हो, रेजिडेंट भी हो तो पैसा वहाँ कमाया हो, और कमा के सोर्स का भी पता होना चाहिए, किसने दिया, कितना दिया, उसमें से कितना आपने बचा के पाकिस्तान में भेजा, कितना उधर खर्च हो गया, कितना वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट हो गया। तो बाहर की प्रॉपर्टीज और पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज भी आपने वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर डिक्लेयर करनी होती हैं जब आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करते हैं। इसके अलावा अगर आपके बाहर की प्रॉपर्टी और बाहर की सोर्स ऑफ इनकम है तो 116A की आपको स्टेटमेंट जो है वो फॉरन सोर्स इनकम और फॉरन एसेट्स की अलग से वो भी फाइल करनी होती है, और उनका जो ओबीसी टोटल है आपका बाहर के एसेट्स का वो आपकी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर आ रहा होता है, जो कि पहले नहीं था, अब उसका वेल्थ स्टेटमेंट का हिस्सा बना हुआ है। सो सेपरेट अपनी जगह पे रहेगा और क्लब होके इसके अंदर आ जाएगा। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इससे रिलेटेड। अब कोई क्वेश्चन है तो मैं वो देख लेता हूँ। मेरे पास अभी तक एज सच तो कोई क्वेश्चन नहीं आया जी। चले कुछ फॉरन रेमिटेंस का मैंने थोड़ा सा आपको शेयर कर दिया। उसके बाद एक और भी पॉइंट्स मैंने नोट किए हुए, तो मैं कुछ वन बाय वन करके आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अभी रिटर्न में ओबियसली कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। अगर आपको कैलकुलेशन करते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो ओबियसली अगर वो लॉ के मुताबिक नहीं है तो आपने अपनी कैलकुलेशन करनी है और फिर एक लेटर मार्क कर देना है आपने, जो कि स्कैन करके आप अटैच कर देंगे रिटर्न के साथ, और उसकी एक कॉपी आप जो है वो सीसी भी करेंगे रेलिवेंट आरटीओ या सीटीओ के अंदर आप उसको भेज देंगे। तो ये भी पॉइंट नोट करने वाला है, उसको भी आप आगे फॉरवर्ड करें ताकि आपकी देखें लायबिलिटी मैंने वो डिस्चार्ज करनी है जो एज पर लॉ मेरी बनती है, ना कि एज पर रिटर्न। अगर रिटर्न कोई चीज़ गलत कैलकुलेट कर रही है जो लॉ के कॉन्सनेंस में नहीं है, इसमें कुछ जजमेंट्स भी आई हुई हैं जो बड़ी क्लियर है कि अगर कोई रूल रेगुलेशन या रिटर्न या कोई ऐसी चीज़ जो कि लॉ से इन कॉन्सनेंस में नहीं है तो प्रिवेल लॉ ही करेगा, तो मुझे लायबिलिटी वो डिस्चार्ज करनी है जो मैंने लॉ के मुताबिक मेरी बनती है। अगर लॉ मुझे कहता है जी मेरी लायबिलिटी 2 लाख बनती है और रिटर्न उसको 3 लाख कर देता है तो मैंने 2 लाख ही देना, 3 लाख नहीं देना, मैं उसमें एडजस्टमेंट करूंगा और उस इनकम को अपनी एक्चुअल लायबिलिटी के मुताबिक, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम के मुताबिक उसको लेके आऊंगा। उसका तरीका अडॉप्ट करना पड़ेगा वरना वो टैक्स पे वरना ज़्यादा बन जाएगा। इसी तरह अगर रिटर्न कम कैलकुलेट कर रही है तो आप इनकम टैक्स लायबिलिटी, तो आपने इनकम को वही निकालना है। अब उल्टा कर देते हैं, मैं बना रहा हूँ 15 लाख रुपये इनकम, रिटर्न बना रही है फर्ज करें टैक्सेबल इनकम 11 लाख रुपये, तो 4 लाख रुपये इनकम कम आ रही है, मुझे उसकी एडजस्टमेंट करके इनकम वही कैलकुलेट करनी है जो मेरी एज पर लॉ बनती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जब आपको फ़ायदा हो रहा हो तब तो आप कहें जी लेटर लिखें, और जब उनको हो रहा हो तो आप कहेंगे जी मैंने कुछ नहीं लिखना। तो दोनों साइड्स को कवर करें। अगर अमूमन तो वो टैक्स लायबिलिटी ज़्यादा बनाती है रिटर्न, कभी कभार कोई रेयर सिचुएशन है जहाँ पे वो कम बनाती है, लेकिन ज़्यादातर वो ज़्यादा टैक्स लायबिलिटी जब वो कैलकुलेट कर देती है। तो ये भी पॉइंट नोट करें, अगर चीज़ लॉ के मुताबिक नहीं है तो उसको लॉ के मुताबिक बनाएं और अपनी ड्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको डिस्चार्ज करें। नेक्स्ट अब ये है कि रिटर्न तो ऑब्वियसली अपलोड हो चुकी है, एफबीआर के मैसेज भी आ रहे हैं जी, ईमेल भी आ रही हैं कि 30 सितंबर लास्ट डेट है। अगर आपको डीम्ड इनकम पे टैक्स नहीं लगा हुआ और कैपिटल वैल्यू टैक्स का नहीं आपका इशू है और आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो जाती है रिटर्न के ऊपर, कोई ऐसा इशू नहीं है, तो फिर आप रिटर्न ज़रूर फाइल करें। और जब तक 7E और CBT का कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक आप, अगर लगता है आपको तो उस रिटर्न को ड्राफ्ट बना के सेव कर लें, जैसे ही जो फैसला होगा उसके मुताबिक फिर आप अपने रिटर्न को चेंज करके या उसी तरह आप आगे फाइल कर सकते हैं। अब ये आपके CBT और उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है मेरे पास, आपने कुछ टैक्सेस ऐसे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि जो आपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देने हैं, जैसे वर्कर्स वेलफेयर फंड है आपका, जो सेल टैक्स ऑन सर्विसेज है, और आपका जो एग्री इनकम है वो भी आपका प्रोविंस के पास जाएगा, उस पर जो टैक्स बनता होगा अगर बनता है तो, और प्लस आपका जो अदरवाइज है आपके फेडरल के पास क्या क्या जाना है, इनकम टैक्स है, गुड्स पे सेल टैक्स है, 7E अगर लग गया तो वो CVT है, और जो भी लायबिलिटी आपकी बनेगी विद रिटर्न वो आप फेडरल गवर्नमेंट को पे करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपकी लायबिलिटी निकल आती है विद द इनकम टैक्स रिटर्न या सेल टैक्स रिटर्न, चाहे वो PR है या FBR है, तो रिटर्न आगे जाती नहीं है जब तक कि आप उसकी पेमेंट को क्लियर ना कर दें या
अगर वो एडजस्टमेंट अवेलेबल है वो आप अवेल ना कर। सो जो रिस्पेक्टिव टैक्सेस हैं फेडरल के और प्रोविंस के वो उसको प्रॉपरली डिस्चार्ज करें ताकि कल को आपको प्रॉब्लम ना हो। जी मैं कोई क्वेश्चन देखूँ अगर आप लोगों ने किया हो तो मैं देख लेता हूँ। जी एज सच तो अभी कोई क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आया। नहीं जी, अच्छा अब मैं आपको आगे लेके चल रहा हूँ जी। जब आप रिकंसिलेशन बनाएंगे तो उसके अंदर इनफ्लोज और आउटफ्लोज का जो है ना वहाँ पे अदर का जो रो एक अवेलेबल है तो अदर के साथ ऐसा कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। जो स्पेसिफाइड है वो आइटम उसी तरह रीड करेंगे और जितने भी नॉन स्पेसिफाइड होंगे वो अदर्स के अंदर चले जाएंगे। उसकी डिटेल आप अपने पास रख लीजिएगा, कल को अगर आपका टोटल ऑडिट होता है या अमेंडमेंट इन असेसमेंट होती है या रेक्टिफिकेशन होती है तो आपके पास वो रिस्पेक्टिव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ जस्टिफिकेशन होगी तो वो आपके काम आएगा उस वक्त जब वो आपको इस तरह का कोई भी नोटिस आपको फॉरवर्ड करते हैं। जी जनाब, एक ये भी पॉइंट आपके साथ मैंने शेयर कर दिया। फिर इसके अलावा जो एक और भी क्वेरी मार्क हुई हुई है कि जब आप प्रॉपर्टी इनकम एंटर करते हैं और अगर बिजनेस लॉस जो ड्यूरिंग द ईयर आता है वो चूंकि एडजस्टेबल है सेक्शन 56 के मुताबिक, लेकिन जो रिटर्न है वो उसको अलाउ नहीं करती, वो क्या करती है कि प्रॉपर्टी इनकम ग्रॉस के ऊपर जो टैक्स है वो चार्ज कर देती है। तो ये भी फार्मुलेशन पीछे गलत लगी हुई है, उसकी रिक्वेस्ट हमने क्वेरीज की मार्क की हुई है कि FBR को जनाब इसकी कुरेक्शन करें। उम्मीद है कि इस पर जल्दी इस पर कोई ना कोई चीज़ जो है वो आ जाएगी ताकि ड्यू लाइबिलिटी, फिर वही बात है मैंने ड्यू लाइबिलिटी डिस्चार्ज करनी है ना कि ज़्यादा लाइबिलिटी मैंने पे करनी। जी जनाब आपको क्वेश्चन हो तो मैं वेट कर रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आपके आ जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा, उसमें ज़रा शेयरिंग हो जाएगी आपस में। अभी तक तो ऐसा सच कोई क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। चले मैं फिर 30 मिनट्स का सेशन कर देता हूँ, अगर सवाल आ गए तो मैं बढ़ा दूंगा वरना 30 मिनट्स तक इसको ले जाते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास जो पॉइंट है कि रिटर्न ना नॉर्मल और डेप्सन और इनिशियल लॉन्ग सही कैलकुलेट नहीं कर रही, वो मैंने आपको पहले शेयर कर दिया कि अगर कोई फर्क आ रहा है तो उसकी एडजस्टमेंट आप उसमें करके तो एक्चुअल बेस पे लेकर आएंगे। इसी तरह 65G का जो टैक्स क्रेडिट है वो सैलरीड पर्सन के लिए अवेलेबल है, जबकि उसके अंदर बिजनेस इनकम का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है तो फिर वो गलती से वहां आ गया, उसको भी इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है जो मिनिमम टैक्स है वो भी सही कैलकुलेट नहीं हो रहा, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ जो है जो भी बनता है चाहे ज्यादा या कम उसके मुताबिक आपने उसको क्लियर करना है। अब रिटर्न चूंकि अपलोड हुई हुई है, अब 34A सेक्शन रूल है जी जो कहता है कि 31 जनवरी 2022 तक इन्होंने रिटर्न अपलोड करनी थी, क्योंकि रिटर्न 5 months रिटर्न लेट अपलोड हुई है तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब रिटर्न आएगी तो वो अपने वक्त पे आएगी ताकि लोगों को उस पर जो भी क्रिटिसिज्म है, जो डिफरेंसेस हैं, जो भी डेफिशिएंसीज हैं उसको पॉइंट आउट करके तो उसको एक्सपेरिमेंट करने का लोगों को मौका मिले और चीज़ जो है प्रॉपर वेट हो के और जो जब फाइनल फेज में आए तो वो ऐसी ज़बरदस्त चीज़ बनी हो कि उसमें कोई डिफरेंस ना रह जाए। उसके बाद मेरे पास है जी, अभी डीम रिफंड की एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा जी, इसके अंदर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं FBR को कि भाई पाकिस्तान टैक्स बार भी कर रहा है, लाहौर टैक्स बार भी कर रहा है, इसमें रिफंड की एडजस्टमेंट जो रो है उसको ऐड किया जाए, जो ओबियसली हम ये भी चाहते हैं कि जो जेन्युइन केसेस हैं उन्हीं को वो मिले, उसमें कोई चेक एंड बैलेंस अगर कोई लगाना वो चाहते हैं तो वो ज़रूर लगा लें, लेकिन चूंकि 120 सेक्शन के होते हैं वो डीम टू बी ऑर्डर है जो रिटर्न फाइल की है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें जो दूसरे लोग हैं जो कि फेक रिफंड है या उसका सपोर्टिंग मिसिंग है या है ही नहीं वो, तो वो लोग भी इसमें फ़ायदा उठा सकें। तो जेन्युइन के लिए हमारी रिक्वेस्ट है कि उनको ज़रूर एंटरटेन करें, और अगर नॉन जेन्युइन है तो ज़ाहरी बात है उसको तो फिर आपको एंटरटेन नहीं करना चाहिए। उसके बाद है जी मेरे पास, हाँ इसमें लॉसेस के जो कैपिटल लॉसेस है उसके ब्रॉड फॉरवर्ड की कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इनकम टैक्स रिटर्न जो आप फाइल कर रहे हैं सैलरी वाला, उसमें अगर अदर इनकम है तो उसमें इनकम ही एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर आपको खुद ही इनकम एडजस्ट करनी है और साथ लेटर उसके साथ मार्क करना है। वही बात है कि अगर रिटर्न में कोई चीज़ गलत आ रही है या नहीं है तो आपको खुद ही अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करना है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट जो है उसको अपलोड करना है ताकि आप कल को ये प्रॉब्लम ना हो कि आपने ड्यू लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं की। जी कोई क्वेश्चन हो, वरना हमारा टाइम जो है वो पूरा हो रहा है जी, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लें,
अभी फ्यू सेकंड्स लेफ्ट है जी, मैं आज के लिए इसको फिर 30 मिनट्स के तक ही रिस्ट्रिक्ट करूँगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर किसी वक्त में हाजिरी होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।